पहला चीज़ है कि 1947 के बाद ये ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो हमारा देश सुरक्षित है। प्रधानमंत्री को काम ही नहीं हुआ हमारे सिंहभूम में, कुछ काम नहीं करते प्रधानमंत्री जी। खाली 400 नारा बोल रहे तो बहुत जाएगा क्या? 400 पार हो जाएगा, आ जाएगा 400 सीट उनका। हम लोग गठबंधन की सरकार चाहते हैं। अभी योजनाओं की बात अगर किया जाए तो नरेंद्र मोदी का तो धरातल में तो कुछ दिख नहीं रहा है। विगत 70-75 साल में जब से देश आज़ादी हुए हमको लगता है पहला प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो सभी वर्गों के लिए सोच रहे हैं। देखिए नरेंद्र मोदी का अपना पार्टी का तो बोलेंगे 400 पार, तो जनता तय करेगी कि 400 पार है या कि यहाँ से जो है आज तक हमारे यहाँ जिला में बीजेपी पूरा परमंडल में एक विधानसभा जीत नहीं पाया, तो यहाँ से सवाल नहीं उठते कि यहाँ से जो है लोकसभा जीत पाएंगे। अब बीजेपी ऐसा पार्टी है कि उसको घोटाला पसंद नहीं है। देखिए मोदी जी का काम को बहुत अच्छा हम लोग मानते हैं, खास करके 10 साल के अंदर में ये काम काज को की सराहना करते हैं, लेकिन और सुधार की जरूरत है। तीसरी बार जो है ना कभी नरेंद्र मोदी आ नहीं सकते। कोई अपना पर्सनल बेनिफिट के लिए सोचते हैं, कोई देश का विकास के लिए सोचते हैं? कोई ऐसा क्षेत्र बताइए जहाँ विकास नहीं हुआ? अभी तो घूम रहे हैं जहाँ का रोड नहीं है। लाइव इंडिया हर पल के खास कार्यक्रम चुनावी चौपाल में आप सभी का स्वागत है। आज हम चाईबासा की जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 पार के नारे को कैसे देखती है, साथ ही साथ उनकी योजनाओं का कितना लाभ इन तक पहुंचा है। हम सीधे आज उनसे बातचीत करेंगे, चाईबासा की जनता से बातचीत करेंगे। मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया है, आप उनकी योजनाओं को कैसे देखते हैं, चाहे नल जल योजना हो या फिर उज्ज्वला योजना हो या फिर अगर हम लोग बात करेंगे आयुष्मान भारत हो, इन सारी योजनाओं को आप कैसे देखते हैं? पहला चीज़ है कि 1947 के बाद ये ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो हमारा देश सुरक्षित है, और जो भी आम जनता है ये सरकार से बहुत उम्मीद रखे हैं, और बहुत सा उम्मीद जो है सरकार हर चीज़ पूरे किए हैं। चूँकि हमारा क्षेत्र में जितना भी है पश्चिमी सिंहभूम में शौचालय, प्रधानमंत्री आवास और जितने भी परियोजना है वो सब लाभों को मिले हैं, और हमारे प्रधानमंत्री ये देश का जो है बहुत सुरक्षित किए हैं, और हम लोग चाहते हैं कि सेकेंड बार भी हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर कई ऐसी जो मैंने आपसे योजनाओं को लेकर के पूछा, आप तक कितनी योजनाओं का लाभ पहुँचा है? हम यहाँ नरसंडा पंचायत समिति सदस्य थे, और जो भी सरकार के योजना है नरेंद्र मोदी या स्टेट गवर्नमेंट का, यहाँ सारे योजना हम लोग जो है यहाँ पर लाभों को लाभ दिलाए हैं, और जो भी केंद्र का लाभ है, और यहाँ पर जो है कि जितना मतदान भोजन से लेके और ये मेडिकल ग्राउंड से लेके आपका जितना शौचालय और ये चीज़ क्या बोलते हैं सभी सुविधाएं आप पहुंचाने का काम किया। हम लोग और भी कुछ लोग से बात करेंगे। सर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं को कैसे देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो कामकाज है उसे कैसे देखते हैं? योजनाओं की बात अगर किया जाए तो नरेंद्र मोदी का तो धरातल में तो कुछ दिख नहीं रहा है। जो यहाँ हमारे क्षेत्र में जो शौचालय की बात है, शौचालय टोटली बंद पड़ी हुई है, कोई योजना नहीं चल रही है। आप देखिए जल से नल वाला जो योजना है, यहाँ बड़ा बड़ा टैंकर तो लगाया गया, क्या बोलते हैं बड़ा टंकी तो बनाया गया, उस टंकी में जो है जल कहाँ से लेके आएगा, है ना? ये तो प्लोप योजना है, आज तक कोई योजना ये जल का योजना जो है कभी किसी गांव में आज तक नल नहीं लगी हुई है। अगर हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 पार के नारे को कैसे देखती है चाईबासा की जनता? देखिए नरेंद्र मोदी का अपना पार्टी का तो बोलेंगे 400 पार, तो जनता तय करेगी कि 400 पार है या कि यहाँ से जो है आज तक हमारे यहाँ जिला में बीजेपी पूरा परमंडल में एक विधानसभा जीत नहीं पाया, तो यहाँ से सवाल नहीं उठते कि यहाँ से जो है लोकसभा जीत पाएंगे। लेकिन इस बार चाईबासा से बीजेपी ने गीता कोड़ा को प्रत्याशी बनाया है। हाँ गीता कोड़ा को बनाया, इसमें कोई दौमत नहीं है, वो स्वार्थवादी नेता है। जिस समय जो है बीजेपी में पहले थे लगा कि यहाँ से हमारा दल गलने वाला नहीं है तो अलग पार्टी बनाए, वहाँ से जनता ने जिताने का काम किया, फिर कांग्रेस में आए, कांग्रेस से जीता, फिर अवसर
वादी को लेकर के फिर पुनः बीजेपी में चला गया। जनता तो कभी माफ नहीं करेगी। कुछ और भी लोग हैं, हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। और देखिए कई लोग यहाँ पर हैं, हम लोग इधर भी जानने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। और सर जानना चाहेंगे आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूरे कामकाज को कैसे देखते हैं? उसके बारे तो बताइए मत। सर आप बताइए, आप कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूरे 400 पार के नारों को, योजनाओं को कैसे देखते हैं? देखिए हम लोग प्रशासन में है, इसलिए हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। अभी हाँ। राजनीति का समय है हाँ। हम लोग पुलिस विभाग से है, इसलिए कुछ नहीं बोलेंगे। देखिए कई सारे लोग यहाँ पर हैं जी। बोलिए 400 पार। देखिए यहाँ जो है, जब कांग्रेस की सरकार थी आपके छत्तीसगढ़ में, है ना, वहाँ जैसे बीजेपी का सरकार आए, वहाँ का ट्राइबलों को भगाने का काम कर रहे हैं, वहाँ वन को ख़त्म किया जा रहा है, तो वहाँ क्या जनता की वोट देगी? मणिपुर का क्या स्थिति है आज तक जल रही है? कभी आप लोग चैनल लोग पूछते हैं कि मणिपुर का क्या स्थिति है? तो 400 पार ऐसी हो जाएगा, जनता कभी माफ नहीं करेगी। दो बार उसको टकने का काम किया जनता को, अभी तीसरी बार जो है ना, कभी नरेंद्र मोदी आ नहीं सकते। देखिए यहाँ पर और भी लोग हैं, कोशिश करते हैं बातचीत करने की। सर आप कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज? ये बहुत अच्छा है, देश हित में सबसे अच्छी बात है और अच्छे काम किए हैं जी। विगत 70-75 साल में जब से देश आज़ादी हुए, हमको लगता है पहला प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो सभी वर्गों के लिए सोच रहे हैं। सर कई योजनाएं हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, लेकिन गीता कोड़ा को आप कैसे देखते हैं? वो इस बार यहाँ से प्रत्याशी हैं, बीजेपी ने उन्हें अपना कैंडिडेट बनाया। बीजेपी कैंडिडेट बनाया तो यहाँ से जीतेगी जी। उनका कामकाज कैसा रहा है इस क्षेत्र में? वो तो पहले के काम अपेक्षा नहीं बता सकते, लेकिन यहाँ जो भाजपा के जो भी कैडर हैं काम अच्छे कर रहे हैं अपने लेवल से। हाँ कई सारे लोग हैं और जानने की कोशिश करेंगे। आप बताइए आप तक कितनी सारी योजनाएं जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहुंची है, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, नल जल योजना हो, आयुष्मान भारत हो, ऐसे कई महत्वाकांक्षी योजनाएं हो। मोदी जी का हम लोग मतलब पुरजोर तरीके से समर्थन करते हैं, और मोदी जी का मतलब जो भी काम काज है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हो चाहे नेशनल लेवल पर हो, बॉटम लाइन पर भी जो पॉवर्टी के लिए वो कर रहे हैं, बेस्ट योजना लगा, मतलब बेस्ट काम लग रहा है उनका, मोदी जी का। उसके साथ साथ जो योजनाएं हैं वो जैसे कश्मीर को लेके इंटरनल जैसे मुद्दे हैं कश्मीर को लेके, चाहे अभी नक्सलवाद भी मतलब काफ़ी सुधार है, वो सब देख रहे हैं नॉर्मल, ये सब चीज़ तो ये सब के लिए तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और उनकी जो योजनाएँ चलाई हैं उन्होंने, वो भी मतलब बॉटम लेवल पर मतलब साफ साफ नज़र आ रहा है। अच्छा, गीता कोड़ा को उन्होंने यहाँ से प्रत्याशी बनाया है, उन्हें आप कैसे देखते हैं, उनके कामकाज को कैसे देखते हैं? ये कामकाज को की सराहना करते हैं, लेकिन और सुधार की ज़रूरत है। जैसे क्या और क्या चाहते हैं इस क्षेत्र के लिए आप गीता कोड़ा से? जैसे इस क्षेत्र में है अभी डेवलपमेंट होना बाकी है, जैसे कि अभी आप लोकल लेवल पर ही घूमेंगे थोड़ा सा सिटी में, तो और सारी योजनाएँ थोड़ी सी मतलब जो योजनाएँ हैं उनको लागू करना होगा। स्मार्ट सिटी वगैरह सब प्रोजेक्ट सब है, उसको थोड़ा सा अच्छा से किया जाए, सड़कें हैं उन पर थोड़ी सी ध्यान दी जाए, बस यही सब चाहते हैं। देखिए तो यहाँ पर कई और भी लोग हैं, आप बताइए सर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 पार के नारे को कैसे देखते हैं, उनकी योजनाओं को कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री को काम ही नहीं हुआ हमारे सिंहभूम में, कुछ काम नहीं करते प्रधानमंत्री जी, खाली 400 नारा बोले तो पहुँच जाएगा क्या? 400 पार हो जाएगा, आ जाएगा 400 सीट उनका। हम लोग गठबंधन की सरकार चाहते हैं अभी, हम लोग सिंहभूम क्षेत्र में जो भी खड़ा होगा उसके साथ हम लोग हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है, हमारे दर्शकों को हम बता दें कि अभी इंडिया अलायंस की तरफ से अपने प्रत्याशी नहीं उतारे गए हैं, और जिस तरीके से जेएमएम की बात करेंगे तो जेएमएम ने 2 सीटों पर फिलहाल कैंडिडेट उतारे हैं, चाहे वो गिरिडीह की बात करेंगे तो गिरिडीह से यहाँ पर मथुरा प्रसाद महतो को मौका दिया गया है, तो वहीं दूसरी ओर दुमका से नलिन सोरेन को मौका दिया गया है। कांग्रेस ने 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं, खूंटी में प्रत्याशी उतारे, साथ ही साथ हजारीबाग में और लोहरदगा में। फिलहाल चाईबासा में ऐसा दृश्य देखने को नहीं मिला है कि अभी उनकी ओर से किसी भी व्यक्ति को प्रत्याशी के रूप में उतारा गया हो। चाईबासा में जो भी हमारा गठबंधन सरकार खड़ा करेगा हम लोग उसी को साथ देंगे, गठबंधन में उसी को साथ देंगे। हम लोग नरेंद्र मोदी कुछ काम ऐसा किया नहीं, हम लोग इच्छे तो दिखाई नहीं दे रहा है। गीता कोड़ा के कामकाज को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि वो पहले भी यहाँ से सांसद रहे? सांसद पहले से भी थे, उनका हस्बैंड भी पहले से सांसद विधायक थे, बीजेपी से थे ना पहले विधायक,
उसके बाद फिर अपना समता पार्टी बनाए, मुख्यमंत्री बने, ये सब किया और क्या काम किया, इसलिए वो चली गई, फिर वही जहाँ जहाँ था वहीं चली गई। हम कुछ और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे चीज़ों को लेकर के, और हम लोग सीधे कुछ और लोगों से यहाँ पर सीधे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इनसे भी कि आखिर ये क्या सोचते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 पार के नारे को लेकर के। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आप क्या सोचते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 पार के नारे को लेकर के? पहली बात है मैडम, है ना, 400 पार का मतलब हमको समझ में नहीं आता है, है ना। अब लोकतंत्र में आप 400 पार का बात कैसे बोल रहे हैं, सवाल है। अब जनता तय करेगा ना 400 पार होगा कि नहीं होगा, है ना। ये सरासर ये डेमोक्रेसी का ये है ना, नहीं सब उल्लंघन है। अच्छा, उनके कामकाज को कैसे देखते हैं, उनकी महत्वाकांक्षी योजनाएं कई सारी है, चाहे वो नल जल योजना हो, चाहे वो हम बात करेंगे उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान भारत हो, कई ऐसे महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। देखिए मैडम, उसका जो भी जितना भी योजना था ना, योजना उसका अच्छा था, लेकिन धरातल पर उसका योजना को देखने को नजर नहीं मिलता है ना। आप नल जल की बात करते हैं ना, आप ग्रामीण क्षेत्र में जाकर के देखिएगा ना, आपको कहीं पर भी उसको ग्रास रूट में आपको नहीं मिलेगा, है ना। कहीं पर भी आपको जेनून में जाइएगा तो एको नहीं मिलेगा, आपको नहीं मिल जाएगा। सरकार तो योजना बहुत सारे लेके आती है, लेकिन वो जो ना धरातल पर उसका सही इम्प्लीमेंट नहीं होता है। अभी भी हमको लगता है उसका 50% भी है ना, उसका जितना भी योजना है वो सक्सेस नहीं हुआ है। आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला है? कोई लाभ नहीं मिला है मैडम। आपने किसी भी योजना के लिए अप्लाई किया था? नहीं, अप्लाई तो नहीं किया, लेकिन नहीं मिला है। तो हम लोग यहाँ पर और भी लोग हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज की बात करेंगे तो आप उसे कैसे देखते हैं, वो विकास की बात करते हैं, आपको क्या लगता है? जी मैडम, पहली बात तो वो देश का प्रधानमंत्री है और अभी तक कई बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, अगला बार भी वो प्रधानमंत्री बनेंगे, लोग उसको चाह रहे हैं, वो देश का शान है। क्योंकि अभी सुरक्षा की दृष्टि से हम देखा जाए तो आज हम रात का 12 बजे भी हम यहाँ पर शान से खड़ा हो सकते हैं, कोई डर भय नहीं है। और महिलाओं का सुरक्षा के लिए भी ठीक है, अभी पूरा देश में कहीं भी आतंकवादी गतिविधि नहीं हो रहा है, ये सबसे देश सुरक्षा है और देश हम इंटरनेशनल में भी अपना एक पहचान बना के रखे हैं। सर, अगर बात करेंगे गीता कोड़ा के कामकाज को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि वो जनता के बीच जा रही हैं और बीजेपी की ओर से उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है? जी, बीजेपी अभी बहुत बड़ी पार्टी बन चुकी है, ओबेसली कोई भी पार्टी उसमें जाना चाहेगा अपना आपको पहचान बनाने के लिए। जो पार्टी बड़ी होती है उस पार्टी में हर कोई जाना चाहेंगे, छोटी पार्टी के साथ काम करने में उनको थोड़ा सा परेशानी होती है। गीता कोड़ा पहले कांग्रेस में थी और कांग्रेस भी एक बड़ी पार्टी है और अब वो बीजेपी में आ चुकी है और बीजेपी से उन्हें प्रत्याशी भी बनाया गया, उसका लाभ मिलेगा उनको? लाभ मिलेगा। चाहे वैसा कि जनता क्या चाहती है, इस बार गीता कोड़ा को जिताना है या फिर महागठबंधन के साथ जाना, भले ही अभी तक प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं हुई। पूरा चाईबासा का लोग का मेंटेलिटी अलग अलग दृष्टिकोण से है, कोई अपना पर्सनल बेनिफिट के लिए सोचते हैं, कोई देश का विकास के लिए सोचते हैं। तो जो पर्सनल कोई घोटाला अपना करना चाह रहा है, उसको जिस पार्टी से घोटाला करना है तो उस पार्टी को थोड़ा सा गुस्सा लगेगा। अब बीजेपी ऐसा पार्टी है कि उसको घोटाला पसंद नहीं है। बीजेपी को घोटाला नहीं पसंद है। हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे। सर, आप बताइए, आप कैसे देखते हैं बीजेपी के पूरे कामकाज को, कैसे देखते हैं? अच्छा तरह से चला रहा है देश को। मोदी है तो सब विकास है। मोदी है तो विकास है। गीता कोड़ा के कामकाज को कैसे देखते हैं, बीजेपी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया? ठीक है मैडम, भी ठीक है। ठीक है। चाईबासा की जनता जो है वो किस मूड में है, या जेएमएम या कांग्रेस या बीजेपी, मतलब दो खेमे में है, मगर ज़्यादा दबेदारी बीजेपी का है। क्या यहाँ कैंडिडेट कांग्रेस और जेएमएम का वैसा खास कैंडिडेट है नहीं कि गीता कोड़ा को टक्कर दे सके। गीता कोड़ा यानी कि यहाँ पर काम कर रही है? हाँ। आप उनके काम को कैसे देखते गीता कोड़ा के? ठीक है, वो अपना क्षेत्र में विकास किए है, जगन्नाथपुर में यहाँ भी संसद बनी, पहले भी एक बार रह चुकी है, उसी अनुसार उसका काम काज तो ठीक है।
सर आपसे जानना चाहेंगे मोदी जी के कामकाज को आप कैसे देखते हैं? हम लोग सरकारी स्टाफ है इसलिए किसी का कामकाज हम लोग और आगे आम पब्लिक से भी बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे। आप बताइए सर, आप मोदी जी के पूरे कामकाज को कैसे देखते हैं, उनकी योजनाओं को कैसे देखते हैं, किन योजनाओं का आपको लाभ मिला है, क्या है? देखिए मोदी जी का काम को बहुत अच्छा हम लोग मानते हैं, खास करके 10 साल के अंदर में सबसे बड़ा उपलब्धि देखिए जो सामने देख रहे हैं ना, जो लाइट है ना यहाँ पे आपको 16 घंटे लगभग लाइट नहीं रहता था जो आप रह रही है। सबसे पहला 3 चीज़ हम लोग को मिला है, रोड, आवास और लाइट, और जगह जगह आपको पानी का सुविधा। दूसरी चीज़ राष्ट्रीय स्तर में भी हम लोग का देश का नाम ऊँचा हुआ है, बहुत सारी उपलब्धियाँ हुई हम लोग का जो पहले 10 साल पहले नहीं था। और यहाँ पे जहाँ तक है कि प्रत्याशी गीता कोड़ा के बारे में जो आप बोल रहे हैं, हम लोग उनका कार्यकाल को देखते हुए यहाँ पे लाए हैं। उनके कामकाज को आप तब कैसे देखते हैं गीता कोड़ा के? बहुत हम लोग संतुष्ट हुए तभी उनको आए हैं और उनको हम लोग समर्थन कर रहे हैं। हाँ। जी कामकाज बोल रहे हैं, उनका काम बोल रहा है यहाँ। देखिए और पर्सनल भी कामकाज नहीं हुआ है वो सर बोल रहे हैं काम नहीं हुआ, बताने तो बोलिए। कोई भी विकास का देखिए कौन सा नहीं हुआ है बताइए, विकास का कौन सा ऐसा काम नहीं हुआ आपके नजर में? देखिए वो रहे कि रोड गड्ढा है, ये पाइप है, ये नल लाइन है, ये नल का काम हो रहा है। देखिए सामने में पाइप है, कोई ऐसा क्षेत्र बताइए जहाँ विकास नहीं हुआ? अभी तो घूम रहे हैं जहाँ का आप रोड नहीं है, आते थे आपको याद कीजिए एक एक बीता गड्ढा मिलता था आपको। आज सारा सुविधा है, आप आ जाइए महिला के लिए 33%, आप महिला के लिए जाना देखिए उजाला योजना देखिए। सबसे बड़ी बात है जो हम लोग जो गरीब जनता है, आप देखिएगा आपको कोरोना काल से लेकर आज तक हम लोग का अनाज को बंद नहीं किए, ये सबसे बड़ा उपलब्धि है हम लोग मिडिल क्लास के लिए, जिसको कोई नेता नहीं बोलेंगे। आज मिल रही है नहीं मिल रही बोलिए, राज्य सरकार क्यों बंद कर दी, आज केंद्र सरकार के दिए हम लोग खा रहे हैं। अब वैक्सीन देखिए बिना पैसा में हम लोग को मिला, हम लोग सक्षम थे क्या उस समय? कितना योजना बताए, आज हम लोग का खाता नहीं था, धन जन योजना के तहत खाता हो गया हम लोग का। हम लोग का लाभ मिल रहा है, मिल रहा जो हमको मिला आपको बता रहे ना। आज हम खाता खुलवाए सरकारी में खुलवाए, हमको उसको आपको बीमा योजना का लाभ मिल रहा है जो हम लोग सक्षम नहीं थे, तब कैसे बोलेंगे काम नहीं किए? देखिए अगर चाईबासा की जनता की बात करेंगे तो चाईबासा की जनता ने एक मिली जुली जो बातें हैं वो यहाँ पर बताया है और कहा है कि गीता कोड़ा के कामकाज से वो काफ़ी खुश है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो योजनाएं हैं उससे काफ़ी खुश है, योजनाओं का लाभ मिल रहा। तो वहीं दूसरी ओर कुछ पक्षों ने ये भी कहा है कि यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस और JMM की बात हो रही है, तो यहाँ पर महागठबंधन की सरकार चाहते हैं, गठबंधन की ओर से जो प्रत्याशी आएंगे उन्हें ताने का प्रयास करेंगे। तो मिली जुली जो बातें हैं वो चाईबासा की जनता कहती हुई नजर आई और ये साफ कहा जा सकता है कि इस बार की जनता जो है वो कुछ ना कुछ बदलाव चाईबासा में देखना चाहती है और विकास देखना चाहती है। इस खास कार्यक्रम चुनावी चौपाल में हमारे साथ इतना ही, सहयोगी विशाल के साथ मैं पूजा दुबे, लाइव इंडिया चाईबासा।